दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने श्री करतारपुर साहिब जाने के लिए कैसे चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ी और मैं श्री अमृतसर साहिब पहुंचा, और वहां से मैंने फ्री बस सेवा लेके मैं कैसे हरिमंदर साहिब तक पहुंचा। दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं आगे की जर्नी। मैं जसवीर आपका स्वागत करता हूँ जसवीर द ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जब मैं हेरिटेज स्ट्रीट पे घूम रहा था, जो कि हरिमंदर साहिब के बिल्कुल सामने है, मैंने देखा कि जलियांवाला बाग के सामने कुछ निहंग सिंह गतका खेल रहे थे। तो दोस्तों, गतका क्या है? गतका एक कला है जो हमारे गुरु साहिबान ने हमें सिखाई है, जिसके जरिए हम अपनी रक्षा करते हैं और दूसरे लोगों की, जिन पे जुल्म हो रहे होते हैं, उनकी हम रक्षा करते हैं। तो देखिए कैसे सिख लोग गतका खेलते हैं। Thank you.
रास्ता देखने के बाद मैं अपने होटल की तरफ चल पड़ा, जो कि बिल्कुल हरमंदर साहब के पीछे था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस ही। क्योंकि मैं बहुत थक चुका था, ट्रेन में 3-4 घंटे का सफ़र था, तो मैंने सोचा कि पहले होटल में जाके चेक इन कर लेता हूँ, थोड़ा सामान अपना वहाँ रख के फ्रेश हो जाता हूँ। और वैसे भी 26 जनवरी होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं अपने होटल की तरफ चल पड़ा। ये गली बिल्कुल श्री हरमंदर साहिब के सामने है, देख सकते हो कि चारों तरफ दुकानें हैं और पूरी रौनक लगी हुई थी उस दिन। हाँ दोस्तों, जितनी भी दुकानें हैं उनके साइन बोर्ड लाल रंग में लिखे गए हैं, और आपको श्री हरमंदर साहिब के पास ही बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपना स्टे कर सकते हो, और चाहो तो बहुत सारी सराएं भी होती हैं जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर होती हैं, तो उसमें भी आप स्टे कर सकते हो। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं अपने होटल में आशा गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस हरमंदर साहिब के बिल्कुल पास है। अंकल जी क्या नाम है चौंक का? चौंक प्रागदास। चौंक प्रागदास बिल्कुल साथ ही हरमंदर साहिब है। हाँ जी, पाँच मिनट क्योंकि आज रास्ता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा, वरना 1 मिनट का वॉकिंग है। तो इनके पास एसी नॉन एसी हर तरह के रूम होते हैं, गो वीवो वगैरह से भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। अभी कमरे का व्यू मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। दोस्तों ये है मेरा कमरा, देखिए डबल बेड है। मेरा रूम वैसे नॉन एसी था, बट इनके पास अभी एसी में अवेलेबिलिटी होगी तो एसी दे दिया, बट एसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठंड बहुत है। तो ये देख लीजिए, मेरे को लगभग 450 में ये रूम पड़ा है डबल ऑक्यूपेंसी में। ये देख लीजिए, ये वॉशरूम है, वॉशरूम है, अंधेरा है, लाइट बंद हुई है, ठीक है, वॉशरूम साफ है। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ रूम है दोस्तों, ये बाहर से ऐसा है। साथ में इन्होंने मेरे को हैंड वॉश दिया है। दोस्तों अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ हरमंदर साहिब के लिए, उसके बाद मैं जलियांवाला बाग जाऊंगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं।